नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। बड़े बड़े अपराधियों के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। आज मिलिए दुनिया की सबसे हॉटेस्ट क्रिमिनल से, जो अपने अपराधों के बावजूद सोशल मीडिया में काफी फेमस हैं। कोई उसे बिकनी चोर कहता है तो कोई मोस्ट सेक्सीएस्ट थीफ यानी सबसे सेक्सी चोर कहता है। कनाडा की स्टेफनी बेयू डोइन इतनी खूबसूरत है कि जो भी इस चोर को देखता है वो देखता ही रह जाता है। स्टेफनी सबसे पहले चर्चा में उस वक्त आई जब 2014 में उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वो काफी समय से कई अपराधों को अंजाम दे चुकी थी और पुलिस की नजर उस पर थी। उसे जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसकी खूबसूरती देखकर जज साहब भी हैरान रह गए। कोर्ट में मौजूद हर कोई ये सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की को आखिर क्यों चोरी की आदत पड़ी। हर कोई जानना चाहता था कि कोर्ट में पेश इस खूबसूरत लड़की ने आखिर ऐसा क्या कर डाला। जिस वक्त वो कोर्ट में पेश हुई तब स्टेफनी की उम्र महज 22 साल थी। इसके पहले वो नर्स का कोर्स भी कर चुकी थी, लेकिन लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में उसे चोरी की लत लग गई और इतनी छोटी सी उम्र में ही उसने 44 घरों में चोरी कर डाली। उसकी चोरी की स्टाइल भी बेहद अलग थी। वो किसी के घर के दरवाजे नहीं तोड़ती थी, बल्कि खिड़की के रास्ते घर के अंदर जाती थी। उसके बाद घरों से जितना भी कीमती सामान होता वो उसे चुरा लेती थी। स्टेफनी ने अपने गैंग में 3 बच्चों को भी शामिल किया था, जिनकी उम्र 13, 17 और 15 थी। इन लोगों ने चोरी करके करीब 41 लाख रुपए बना लिए थे। इसके अलावा स्टेफनी के पास से कई लग्जरी सामान भी बरामद किए गए। इसके अलावा उसके पास से बिना लाइसेंस के 9 हथियार भी बरामद थे। कनाडा के विक्टोरिया विले से इस बिकनी चोर को गिरफ्तार किया गया। स्टेफनी पर चोरी, बिना लाइसेंस के हथियार रखने और नाबालिग बच्चों से अपराध करवाने जैसे 114 आरोप लगे थे। इस लड़की को इन सब आरोपों के लिए 90 दिन की सजा मिली, लेकिन ये सजा भी बेहद हैरान करने वाली थी। स्टेफनी को सिर्फ शनिवार और इतवार को ही जेल में बंद किया जाता था, जबकि बाकी दिन वो आजाद घूम सकती थी। कोर्ट में पेश होने के बाद ही वो इतनी फेमस हो गई थी कि उसे कई मॉडलिंग असाइनमेंट भी मिलने लगे थे। स्टेफनी को हॉलीवुड से भी फिल्मों में काम करने के ऑफर मिले थे। कुछ समय बाद कनाडा के एक फैशन मैगजीन ने उसे सेक्सी क्रिमिनल के नाम से प्रमोट किया था, जिसके बाद इस मामले ने तोल पकड़ लिया था। कोर्ट ने मैगजीन को इस तरह का नाम देकर मॉडलिंग का प्रमोशन करने से बैन किया था। स्टेफनी को भी कोर्ट ने इस तरह के प्रमोशन से बचने की हिदायत दी थी। उसने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए इस तरह के टैग का इस्तेमाल नहीं करेगी। अभी भी स्टेफनी अक्सर अपनी हॉट फोटो को लेकर चर्चा में रहती हैं। सोशल साइट्स पर उसकी बिकनी वाली फोटोज आज भी लोगों के होश उड़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सेस भारत।